वोरा सर, ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, हम फिफ्थ इकोनॉमी है, जल्दी ही थर्ड इकोनॉमी होंगे, और सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ हम हैं, सबसे ज्यादा जो निवेश है उसकी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सबसे अच्छा बाजार भी है और जल्दी ही ये अच्छी अर्थव्यवस्था साबित होगा जिससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं सर, और इस समय जो टाइम है, समय है, वो सुबह के 3:45 हैं। तापमान 17 डिग्री है, वर्षा होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की इस घोषणा के बाद आभारी हूं कि आपने मौका दिया है और आपसे सीखने का, कर्नल दानवीर से सीखने का। बिल्कुल सही फरमाया है कि दुनिया की आंखें इस समय भारत पर टिकी हुई है, खास तौर से जब व्हाइट हाउस ने घोषणा कर दी है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब भी वहां पर जाएंगे एक दिन पहले, और वो मुलाकात करेंगे द्विपक्षीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। एक चीज जरूर बता दूं, इस घोषणा के बाद ही कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, अमेरिका में कुछ मीडिया में हम कवरेज देखने लग गए G20 की, नहीं तो उससे पहले उनके दो मुद्दे मेन यही थे कि एक डोनाल्ड ट्रंप साहब कब जेल में जाएंगे और दूसरा बाइडेन साहब के अगेंस्ट कब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी हाउस में, क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं शिकारी हंटर बाइडेन, वो पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहे चीन के साथ, तो लोग उसकी बात भी कर रहे हैं इम्पीचमेंट की। भारत ने क्या अचीव किया है G20 प्रेसिडेंसी से जो उसने संभाली थी, एक ऐसे वक्त पर सर जब ग्लोबल टर्मोइल था, चीनी महामारी थी, यूक्रेन वॉर थी, बहुत सी चीजें हो रही थी। सबसे पहले याद रखी जाएगी जो फोकस हमारा रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक चीज है जैसे, सारी जैसे दुनिया दीपक जी, जैसे कि पीएम ने भी कहा था एक सकारात्मक माहौल बन रहा है दुनिया भर में भारत के लिए, और जैसे जैसे अभी घड़ी सामने आएगी 9-10 तारीख को हम देखेंगे समिट की बैठकें शुरू होंगी, उसके बाद और उसके बाद ही बैठक के बाद क्या कुछ इंडिया के हिस्से आता है, किस तरीके से और कुछ अचीव वो करता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।